हेलो फ्रेंड्स। तो जो क्लास 11 केमिस्ट्री का जो हम चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं, रासायन विज्ञान की मूल अवधारणा है, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र होता क्या है। इसे एकदम आसानी से आपको एग्जांपल से समझाया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको यौगिक का अणुसूत्र, मतलब आपको मूलानुपाती सूत्र दिया हो, तो आप अणुसूत्र कैसे निकाल सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है N2 के एक ऑक्साइड का विश्लेषण करने पर प्राप्त आंकड़े जो है हमें, वो क्या है, N=25.94% ऑक्सीजन 74.06%, यदि ऑक्साइड का अनुभव 108 है तो उसका अणुसूत्र। तो मतलब आपको आज हम बताएंगे अणुसूत्र कैसे निकाला जाता है, अंकी क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और बहुत ज़्यादा आसानी से आपको ट्रिक्स एकदम समझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे हम आपका अणुसूत्र। तो कह रहा है नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का विश्लेषण करने पर आंकड़े प्राप्त होते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन है 25.94%, ऑक्सीजन है 74.06%। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो परसेंट दिया है इसे आप क्या करोगे, एकदम सीधे सीधे ग्राम में लिख दोगे। ये जो 25.94% आपको इसे लिख देना एकदम आसानी से, भी केवल देखते रहो, बहुत आसान है, ठीक है। 25.94 ग्राम लिख देना, जो परसेंट लिखा है इसे ग्राम लिख दो। ऑक्सीजन जो लिखा है इसे भी क्या करो, 74.06 ग्राम लिख दो, ठीक है। अब हमें अणुभार कितना दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, ठीक है। अणुभार कितना दिया, 108 ऑक्साइड, जो ऑक्साइड बनेगी इससे उसका अणुभार 108 दिया हुआ है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं आता, एकदम आसान है, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे नाइट्रोजन का 25.94 ग्राम, ऑक्सीजन का 74.06 ग्राम, और आपको ऑक्साइड दिया 108 अणुभार, ठीक है। आप क्या, हमें ऑक्साइड का अणुसूत्र निकालना है, तो हम करेंगे क्या, एकदम आसान है। देखो पहले आपको नाइट्रोजन का अणुभार निकालना है, क्या करना है, पहले नाइट्रोजन का अणुभार निकालेंगे। तो नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है वो होता है 14, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है 16, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब आप ये जो नाइट्रोजन का है इसमें करना क्या है, आपको इसके अणुभार से भाग लगा देना है, 25.94/14 कर दो, और ये जो आपका ये ऑक्सीजन वाला इसमें कर दो कितना, 74.06/ ऑक्सीजन के अणुभार से भाग लगा दो 16, ठीक है। आप जब इसका भाग दोगे तो 1.85 आएगा, और जब इसमें भाग दोगे 16 का तो कितना आएगा, 4.63, क्योंकि 16 × 64 6 बचा, ठीक है, सॉरी 10 बचेगा, तो 16 × 96 = 4, फिर 16 × 3 = 28, तो आप उस हिसाब से भाग दे देना, ठीक है। नाइट्रोजन का 1.85 आ गया, ऑक्सीजन का 4.63 आ गया। अब आपको क्या करना है, अभी आपने इसको ग्राम में लिखा था, फिर इनके दोनों के अणुभार निकाले, इनसे भाग लगा दिया। आप क्या करना है, ये जो आया है इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका दोनों में भाग लगाना पड़ता है। सबसे छोटी संख्या पहले देखो कौन सी है, यही वाली होगी 1.85 जो है सबसे छोटी, इन दोनों में यही छोटी है ना, ये छोटी। तो आप क्या करना है, हमको इसमें भाग लगाना है, नाइट्रोजन वाले में जो था 1.85 कर दीजिए, और ये जो आपका ऑक्सीजन का है 4.63 अपॉन कितना कर दोगे, 1.85। मतलब आप क्या देख रहे हो कि जितना आंसर आया है उसमें जो सबसे छोटा उससे भाग लगा दो। अब इससे ये काटोगे तो कितना आया 1, अब इससे ये काटोगे तो कितना आएगा जाके, जब भाग लगाओगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका जाके इसमें आ जाएगा 2.50, ठीक है। ये तो आपका 1 आ गया, ये आ गया 2.50। अब आपको क्या करना है, अब आप एक बात ये सोचो, अगर आपको N और O का जो मूलानुपाती सूत्र लिखना पड़ेगा, तो उसको लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, जो मूलानुपाती सूत्र आपको लिखना पड़ेगा, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र लिखोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, नाइट्रोजन की भी पूर्ण संख्या चाहिए, ऑक्सीजन की भी पूर्ण संख्या चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की यहाँ पे तो एक है, तो आप आराम से N1 लिख दोगे, लेकिन O की क्या 2.50 लिखोगे, नहीं लिखोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दो, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दो, जिससे क्या हो जाएगा, जब 2 का गुणा दोनों जगह कर दोगे तो 2 × 2 और ये 2.5 क्या हो जाएगा 5, तो सीधा सीधा 5 मिल गया। आप आसानी से रख दो, N2 कर दो, यहाँ पे N2 कर दोगे O5, तो सूत्र क्या, मूलानुपाती सूत्र अभी मिला है, अभी आणविक सूत्र नहीं मिला आपको। आपको दिखाते हैं, देखो फॉर्मूला होता है यौगिक का अणुसूत्र बराबर यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और N2, यहाँ पे ये खाद टाइप होती है, ठीक है। तो अब हमें N का मान कैसे निकाल सकते हैं, यौगिक का अणुभार बटा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। तो पहले N का मान निकालते हैं, यौगिक का क्या, पहले कह रहा है यौगिक का अणुभार बटा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार। तो अणुभार देखो निकालते हैं, अणुभार कैसे निकलेगा, इसका अणुभार निकालो, नाइट्रोजन का भी बताया आपको 14 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो 14 × 2 + 16 × 5, ऑक्सीजन 5 इसलिए 5, नाइट्रोजन 2 इसलिए 2, देख सकते हो 14 नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 16, तो 14 × 2 कितना हो जाएगा 28, 16 × 5 कितना हो जाएगा 80, तो कितना है 80 × 2 = 80, 20 = 108, सॉरी हमने फालतू निकाल दिया क्योंकि हमें तो 108 दिया ही था अणुभार पहले से,
तो चलो निकाल दिया तो आपको सीख लो ऐसे निकालना जाता है, ठीक है। तो पहले से दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ना दिया होता तो निकालना ही पड़ता। तो देखो एन एन का वैल्यू आपको अनुभार ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है मूलानुपाती सूत्र भार। तो मूलानुपाती सूत्र भार कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे ऑक्साइड का अनुभार दिया था, तो ये अभी आपको यौगिक तो मिला नहीं, अभी आपको मिला है मूलानुपाती सूत्र। तो ये जो भार होगा ये कहलाएगा आपका मूलानुपाती सूत्र भार। ये अभी यौगिक तो मिला नहीं, ये मूलानुपाती सूत्र मिला। जब यौगिक मिले उसका भार निकालो तब वो अनुभार कहलाएगा। अभी मूलानुपाती सूत्र का भार निकाला इसलिए मूलानुपाती सूत्र भार कहलाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र ये तो आपका ऊपर सूत्र में होता है कि यौगिक का अनुभार बेटा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार। तो अनुभार कितना है 108 बेटा मूलानुपाती सूत्र भार भी हमने निकाला 108। 108 से 108 कैंसिल, बचा कितना एक, एन बराबर हो गया एक। तो हमें एन का मान पता चल गया। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, एकदम आसान हो गया, कि यौगिक का अणुसूत्र बराबर कोष्ठ में था मूलानुपाती सूत्र और यहाँ पे लग जाएगा एन, ठीक है। आप अणुसूत्र निकालना, मूलानुपाती सूत्र कितना आया था, ये आपका दिया N2O5 लिखेंगे और n की जगह क्या लिखेंगे 1। तो N2O5 की पावर n जो है, तो इसका क्या कोई 1 का कोई मतलब होता है, नहीं होता ना। तो सूत्र कितना आ गया N2O5। तो हमने निकाल लिया एकदम आसानी से, यौगिक का सूत्र N2O5 होगा, ठीक है। तो कितना आसान था देखो एक बार फिर से समझो। पहले आपको क्या करना है, जो परसेंटेज में दियो उसे सीधा सीधा आपको ग्राम में लिखना है। 25.94% था उसे हमने ग्राम में लिख दिया, ऑक्सीजन था परसेंट में उसे भी ग्राम में लिख दिया। हमें यौगिक का सूत्र भार दिया था अणुसूत्र भार 108 और क्या दिया था, आप देखो इतना आ गया। अब करना क्या, आप कुछ इसके नाइट्रोजन का अणुभार देखना है 14 होता है, ऑक्सीजन का 16। अब इसको अपने अपने अणुसूत्र भार से भाग लगा देना है। नाइट्रोजन को उसके भार से भाग लगाया 14 से, तो 1.85, और इसको 16 से लगा दिया तो ये 4.63। अब क्या होगा, इसमें जो सबसे छोटा हो उसको दोनों में भाग लगा दो, 1.85 को दोनों में भाग लगा दिया जिससे ये आपका 1 आया, ये 2.50। अब इसको एकदम मतलब कि आसानी से मान रख सके इसलिए हमने दोनों पे दो दो का गुणा कर दिया, तो ये 2 आ गया, ये आ गया 5। N2O5 मूलानुपाती सूत्र आ गया। अब इसका भार निकाला तो 108 आ गया। फिर n बराबर फॉर्मूला लगा दिए, क्या यौगिक का अणुभार बटा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार। आसानी से हमने n का मान निकाल लिया और लगा दिया यौगिक का अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र और ये n, ठीक है, जिससे क्या सूत्र आ गया N2O5। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान था। तो भाई इससे आप इस एक क्वेश्चन से और भी बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप पे पूछे जाते हैं, तो जिससे आप और भी क्वेश्चन लगा पाओगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी भाई अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।